देश में कांग्रेस मुक्त भारत और ये सब करते करते भाई अमेठी रायबरेली पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया। आप कह रहे थे हिंदी हार्टलैंड से भाग गए, वायनाड चले गए, अब वो उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, कहां से लड़े उनका सवाल है, उनका मसला है। आनंद जी आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप। क्षमा करिएगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि राहुल जी वायनाड भाग, नहीं बीजेपी, मैं बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव की बात कर रही हूं। हाँ बीजेपी, तो बीजेपी के प्रवक्ता सिन्हा जी बैठे हैं, वो इस बारे में आपको उत्तर देंगे। लेकिन जो बात अभी यहाँ बहुत दिलचस्प हो रही है कि लोकतंत्र में अगर सीटों की संख्या पर ही पक्ष और विपक्ष का आकलन होता है, अगर विपक्ष के पास 100 सीट है तो वो छोटा माना जाएगा स्वाभाविक रूप से। आप अकादमिक बहस में बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, पर जनता यही मानती है के पास, पर लोकतंत्र और संविधान भी यही कहता है जिसके पास सीट होगी वही जीतेगा, वही सरकार बनाएगा। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की बातें करके और हम मीडिया को कटघरे में खड़ा करके दरअसल मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते हैं। आज मुद्दा ये है कि राहुल के रायबरेली क्या से लड़ने का, अभी मैं यही सुन रहा था कि रायबरेली ज्यादा बड़ा गढ़ है उनका, रायबरेली में कितने दिनों तक गांधी परिवार का रहा है, वहां भी शीला कौल, अरुण नेहरू, आरपी सिंह, कई सारे लोग वहां पे सांसद रहे हैं। बीच कांग्रेस का तो गढ़ मान सकते हैं अनंत विजय, नहीं गांधी परिवार का कांग्रेस का तो गढ़ है ना, गढ़ कैसे माना जाता है ये तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी भी दो बार जीत चुकी है, बिल्कुल जीती, राजनारायण जी भी जीत चुके हैं वहां से, ठीक है। और जहां तक अमेठी की बात है तो अमेठी सीट अस्तित्व में ही 67 में आया है, और पहली बार संजय ने वहां एक कैंप के मार्फत शुरुआत की थी 76 में। संजय गांधी पहली बार अमेठी पहुंचे थे, 77 में चुनाव हार गए संजय, 80 में वो चुनाव जीते, ठीक है। फिर 80 में चुनाव जीतने के बाद भाग्यपूर्ण धन हो गया, फिर वो जो विनोद जी ने बताया प्रक्रिया ठीक है, लेकिन वहां से भी संजय सिंह एक बार जीत चुके हैं। नहीं, लेकिन अनंत विजय ये कहना प्रधानमंत्री का, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आप ही के पाले में गेंद डाल रही हूं, डरो मत, भागो मत, अमेठी से लड़ने से डर गए राहुल गांधी, ये कहना कितना जायज और कितना मुफीद आपकी नजर में? डर गए राहुल गांधी क्या? सही कह रहे हैं, राजनीति राजनीति अवधारणाओं का खेल है, और जो नैरेटिव बना ले जाएगा वही नैरेटिव में विजयी होता है। इसका कोई रासायनिक फॉर्मूला नहीं है कि H2SO4 मिला देंगे तो आपके सामने ये निष्कर्ष निकलेगा। एक व्यक्ति कह रहा था डरो मत, आज तक उनका नैरेटिव डरो मत पर था, दूसरे व्यक्ति ने कहा डरो डरो मत, भागो मत, तो ये तो नैरेटिव का खेल है करीमा जी, इसमें कोई इसको समझने और ना समझने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन तो डरने का नैरेटिव अनंत विजय भाई, ये तो किसी भी राज्य डरने का नैरेटिव कितना जायज है, यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे कि अगर सुषमा स्वराज बेल्लारी से लड़ लेती हैं, विदिशा से लड़ लेती हैं, नई दिल्ली से लड़ लेती हैं, राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ चले जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चार चार तीन तीन सीटों से चुनाव लड़ लेते हैं, तो डरने का ये पर्सपेक्टिव जो है ये कितना जायज? भाई सुषमा भी गई ना, दिल्ली से लड़ी, फिर बेल्लारी चली गई, फिर विदिशा आ गई। मैं बता आपका प्रश्न समझ गई। सुषमा जी जब बेल्लारी गई थी तो सोनिया जी से चुनाव लड़ने गई थी, उनके सामने ऐसी स्थिति नहीं थी कि 2004 में आप 290,000 से जीते, 2009 में आप 370,000 से जीते, 2014 में आप 107,000 से जीते, और 2019 में आप 55,000 वोटों से पराजित हो गए। तो ये जो एक ग्राफ दिखता है ना आपके वोटों का, और जिस प्रकार से आप विधानसभा के सीटों की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से वहां पिछले 5 सालों में राहुल गांधी की अनुपस्थिति रही है, अमेठी में कुल जमा 2 बार गए हैं, ऐसा मैंने जो रिसर्च किया मुझे अभी तक 2 बार उनकी उपस्थिति वहां दिखाई देती है। तो ये भी तो हो सकता है अनंत विजय कि उन्होंने पहले तय कर लिया हो। नहीं, मैं तो आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, राहुल जी के मन की तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या तय कर लिया था क्या नहीं तय किया था। मैं तो जो वहां उपस्थित हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 2014 में जब स्मृति ईरानी पराजित थी वहां से राहुल जी से 107,000 वोटों से, तब
तब उसके बाद स्मृति ईरानी लगातार लगातार क्षेत्र में बनी रही थी, जिसका परिणाम 2019 में पूरे देश ने देखा। नहीं तो चुनाव हारना लड़ना हुआ क्या? फिर मैं अटल जी को कोट करूंगी, 64 में अटल जी 64 अगर मैं गलत नहीं हूं, दो जगहों से लड़े, दोनों जगहों से हारे, 14 बार चुनाव लड़े, 10 जीते 4 हारे। तो ये तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है कि आप कोई दो लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। गरिमा जी आप अपने तर्कों को ऊपर रखने में इतनी जल्दी गोल पोस्ट चेंज करती है कि सामने वाला आपके प्रश्नों से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। भ्रम की स्थिति तब बनती है जब अटल जी की तुलना जब आप राहुल जी से करने लगते हैं, तो फिर मैं आंकड़ों पे ले जाऊंगा। ठीक है, नहीं मैं डरने की परिभाषा को समझ रही हूँ बस, अनंत विजय डरने की परिभाषा वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। हाँ। मैंने वोटों के आंकड़ों से और अनुपस्थिति से उसको समझाने का प्रयास आपको किया। आप अगर समझ रही हैं तो ठीक है। दूसरी बात ये कि राहुल जी अगर रायबरेली से लड़ और राहुल जी अगर अमेठी से लड़ते तो दोनों का अंतर पता चलता। दोनों का अंतर है। राहुल देव आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। लड़ना चाहिए, ठीक है, तो लड़ते हुए दिखना भी तो चाहिए। राहुल देव लड़ते हुए दिखना भी चाहिए, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। गरिमा, मैं केवल ये तथ्य बताना चाहता था कि अटल जी ने 14 बार चुनाव लड़ा, उसमें वो 10 बार जीते 4 बार हारे, उन्होंने 6 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, 1-2-3 नहीं 6, बलरामपुर, मथुरा, लखनऊ, ग्वालियर, नई दिल्ली और गांधीनगर। तो ये चुनाव क्षेत्र बदलना ज्यादा जो सुविधाजनक है, जहां पर कम श्रम करना पड़े, जहां ज्यादा जीत की संभावनाएं हैं, ये सब एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जिसको देश की राजनीति पार्टी बढ़े उसमें का काम करना होता है, वो ये सारे देखकर अपने हिसाब से तय करता है। तो राहुल जी अब ये सवाल यहाँ पर 2024 की जंग का है। गरिमा जी मैं भी यही कह रहा हूँ कि जहाँ जीत की संभावना ज्यादा होती है लोग वहीं जाता है, जो अभी आदरणीय राहुल जी ने कहा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अमेठी और रायबरेली की तुलना में राहुल जी को रायबरेली में जीत की संभावना अधिक दिखी, ज्यादा दिखी, वो मैंने भी शुरुआत में कहा। लेकिन राहुल जी क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई पर इसका कुछ असर देखते हैं क्या? जी क्या लड़ाई जो बिल्कुल कांग्रेस के लिए तकरीबन खत्म है 2024 में, अगर ये मान ले पुराने आंकड़ों को लेकर, उसमें कुछ स्पार्क रिवाइवल देखते हैं क्या इस कैंडिडेचर का, इस अनाउंसमेंट का? उत्तर प्रदेश में एक सीट से काम नहीं चलेगा। हाँ। थोड़ा ठीक है वहां पर यह कि एक उपस्थिति आपकी बनी रहेगी, एक बड़े वरिष्ठ नेता की, वरिष्ठतम नेता की उपस्थिति बनी रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में कांग्रेस को पुनर्जीवित होने के लिए कम से कम एक दशक की मेहनत चाहिए। एक दशक कम से कम, ठीक है। विनोद जी, प्रियंका गांधी आती अगर इस फाइट में तो ये मेहनत थोड़ी और ज्यादा निखरती क्या? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। फैसला कैसा फैसला है? मैं अभी एक बात कहना चाहता हूं, विजय आनंद जी ने कमेंट किया, मैं उसको अपना परिपेक्ष में देखना चाहता हूं। ये कहते हैं कि आप अटल जी से राहुल गांधी के कंपैरिजन कर रहे हैं, हम जिस दुनिया में और जिस समय में रह रहे हैं, आपने उनके बोलो ना कि अजीब सी बात है कि आप अटल जी और राहुल की कंपैरिजन कर रही हैं, उनका सवाल था। तो मैं ये बताना पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस समय में और जिस काल में एक नेता विष्णु बन के घूम रहा है, उसमें क्या अनुचित बात है दो मनुष्यों को कंपेयर करना? देखिए, हम लोग मीडिया के लोग बहुत ही एकतरफा हो गए, मैं भी कभी कभी बहुत यकतरफा हो जाता हूं और रात को सोचता हूं कि क्यों ज्यादा बोल गया मैं। सच में आत्मग्लानी होती है विनोद जी। हमको 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 आपसे एक बात, गरिमा जी आपके शो में हम इसलिए आते हैं कि आप स्पेस देती हैं, लड़ाई स्पेस अपनी बात, की है। आप पूरी अपनी बात कहिए, बस समय का मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि तीन लोगों से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना मुझे, आप कहिए। मैं आखिरी बात, अगर बात यह है कि आपको मैंने कह दिया कि समस्त भारत में आज के दिन प्रियंका गांधी हर बात पे प्रधानमंत्री का जवाब दे रही है, सबसे प्रखर आर्टिकुलेशन कांग्रेस के नरेटिव की आज के दिन प्रियंका गांधी की तरफ से आ रही है, ठीक है, और प्रियंका गांधी उस रोल में बनी रहना चाहती है। यहां भी कैंपेन करेगी लेकिन और जगह भी वो कैंपेन कर रही है और उसकी बहुत सराहना हो रही है क्योंकि वो बात सदियों तरीके से करती है, ठीक है, कलिष्ठ से कलिष्ठ बात कर देती है,
वो सोचने पे मजबूर कर देती है आपको। ठीक है मनोज जी, रागिनी प्रियंका का इंतजार लोगों के लिए रायबरेली तो अब तय हो गया, अमेठी के लोगों के लिए हो सकता था कम हो जाए, ये बेहतर मुफीद सिचुएशन होती क्या? क्योंकि सबका एक मुश्त कहना है कांग्रेस के लिए सिर्फ एक या दो सीट से बात नहीं बनने वाली। गरिमा जी मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को जीत दिलाने में प्रियंका गांधी की बहुत अहम भूमिका रहेगी। आगे वो जहां से भी चुनाव लड़ना चाहे जीत सकती है। मैं अनंत विजय जी की दो बातों का जल्दी से जवाब देना चाहती हूँ। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अनंत विजय जी, पर आपने गरिमा जी को कहा कि वो बार बार गोल पोस्ट चेंज करती हैं। देखिए दोनों पक्षों से सवाल पूछना मुझे नहीं लगता गोल पोस्ट चेंज करना है, इसे निष्पक्षता कहते हैं और इसे ही शायद पत्रकारिता कहते हैं। दूसरी बात आपने कही कि लोकतंत्र में जितनी सीटें आई हैं उसके हिसाब से ही विपक्ष की शक्ति का आकलन होगा, तो ये तो पिछली बार सीट आई थी ना, अगर उसी के साथ उसी की तर्ज पर आप आज भी तत्कालिक चुनाव में आकलन करेंगे तो मेरे हिसाब से तो इसका मतलब है कि कभी तख्ता पलट हो ही नहीं सकता। हाँ, तो रागिनी मैं इसी नोट पर, तो इसी पॉइंट पर वाइंड अप कर रही हूँ कि